इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसको शुरू करने के लिए आपको सिर्फ जरूरत पड़ने वाली है 10 से 15 हजार रुपए की। तो दोस्तों अगर आपके पास 10 से 15 हजार रुपए है बिजनेस शुरू करने के लिए तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। दोस्तों मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूं वो बिजनेस है बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइजर का। जैसे इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार के इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे ही आप अपने आपको मार्केट के अंदर एज ए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट कर सकते हैं और वहां से अच्छा खासा काम ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप खुद सोचिए हमारे देश के अंदर 130 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं और रोजाना किसी ना किसी का बर्थडे होता ही है। तो अगर आप अपने आपको मार्केट के अंदर एज अ बेस्ट बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब काम मिलने के चांसेस क्यों बढ़ जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि हम सिर्फ बर्थडे पार्टी का ही काम क्यों करें, हम तो पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हर प्रकार के जो इवेंट होते हैं उनको भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको अपने आपको एज अ बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आप ऐसा प्रेजेंट करते तो आपको क्या फायदा होगा वो भी आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मेरे घर के अंदर किसी का बर्थडे है, जैसे मेरी बहन का ही बर्थडे है और हम चाहते हैं कि उस डे को हम मेमोरेबल बनाएं, बहुत ही ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करें, और मेरे सामने दो ऑप्शन होंगे। सबसे पहला एक ऑप्शन ऐसा होगा कि जिसके अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है जो हर प्रकार के इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है, और दूसरा ऐसा होगा जो सिर्फ बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने में स्पेशलाइज है। तो मैं काम किसको देना पसंद करूंगा? मैं तो काम उसी को दूंगा जो स्पेशलाइज है, क्योंकि उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे हमारे डे को मेमोरेबल बनाने के लिए और साथ ही साथ में उसको और भी ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करने के लिए। दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आप अपने आपको मार्केट में इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि आप बेस्ट हैं बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने में, तो मैक्सिमम लोग आपके साथ ही काम करना पसंद करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा ये बिजनेस आपको मेट्रो सिटीज में शुरू करना चाहिए। एक तो वहां पे कैसे हैं जो लोग भी हैं उनकी जो पेइंग कैपेसिटी वो भी अच्छी होती है और साथ ही साथ में वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं तो आपको काम मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। इसके अलावा दोस्तों इस बिजनेस को उसी आदमी को शुरू करना चाहिए जिसको ऐसा लगता है कि वो इंट्रोवर्ट नहीं है, शाय नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको अलग अलग लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, लोगों के साथ कनेक्शन बनाना आना चाहिए, लोगों के साथ निगोशिएट करना आना चाहिए। अगर ये सारी स्किल आप में नहीं होगी, आपको लगता है कि आपको बहुत शर्म आती है या आप बहुत ही इंट्रोवर्ट है, आप लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते, तो इस बिजनेस में आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइजर बिजनेस प्लान के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। जैसे कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको क्लाइंट के लिए क्या क्या चीजें अरेंज करनी पड़ेगी, साथ ही साथ में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, और इसके अलावा कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। वैसे इन्वेस्टमेंट तो मैं आपको बता चुका हूं 10 से 15 हजार रुपए, तो फिर भी आप इस काम को आसानी से शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप कितने पैसे इस बिजनेस से कमा सकते हैं, इसके अलावा आपको क्लाइंट कहां से मिलेंगे, ये डिटेल भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइजर बिजनेस प्लान के बारे में। तो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको क्लाइंट के लिए किन किन चीजों को ऑर्गेनाइज करके देना होगा, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्लाइंट को पूछना होगा कि बर्थडे किसका है, तो जिसका बर्थडे होगा उसके हिसाब से आप उसको अलग अलग थीम सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं, मान लीजिए किसी बच्चे का बर्थडे है तो आप कार्टून का थीम उनको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई यंग लड़की है जिसको BTS पसंद है तो BTS का पूरा थीम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई मार्वल का फैन है तो आप मार्वल की थीम सजेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई और चीज़ पसंद है तो वो थीम आप सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एजेड पर्सन है तो उसको आप राजा रजवाड़े का थीम दे सकते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग थीम आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, उनको जो भी थीम पसंद आएगी वो थीम का ऑर्डर आपको मिल जाएगा और उसके बाद में उसके हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना होगा। दूसरी चीज, प्लेस। देखिए दोस्तों, ये भी हो सकता है क्लाइंट आपको कहे कि उनको प्लेस भी फाइंड आउट करके दे, तो उस केस में आपका टाइप जितने भी गार्डन वाले होते हैं, ग्राउंड वाले होते हैं, हॉल वाले होते हैं, उनके साथ होना चाहिए ताकि आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेस उनको फाइंड आउट करके दे सकें। इनकेस अगर घर बड़ा नहीं होगा तो आपको उसके लिए प्लेस भी फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। तीसरा, डेकोरेशन। देखिए दोस्तों, क्लाइंट ने जो भी थीम फाइनल किया है उसके हिसाब से आपको डेकोरेशन करवाना होगा, और डेकोरेशन करवाने के लिए आपका कॉन्टैक्ट अलग अलग डेकोरेटर्स के साथ होना चाहिए ताकि जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डेकोरेशन करके दिया जा सके। क्योंकि दोस्तों किसी भी पार्टी की शान होती है डेकोरेशन। अगर डेकोरेशन अच्छा होगा तो लोगों के दिमाग में वो पार्टी लंबे समय तक याद रहेगी, और साथ ही साथ अगर लंबे समय तक याद रहेगी तो आपको रिपीट ऑर्डर्स मिलने के चांसेस भी हो जाएंगे। चौथी चीज है फूड। आपको अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फूड भी अरेंज करके देना होगा। जैसे कुछ क्लाइंट ऐसे हो सकते हैं जो बोलेंगे हमको सिर्फ वेजिटेरियन फूड चाहिए, कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे हमको वेज नॉनवेज दोनों चाहिए, कुछ ऐसे होंगे जिनको अल्कोहल भी चाहिए होगा। तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से फूड उनको अरेंज करके देना होगा, जिसके लिए आपका अलग अलग कैटरर्स के साथ कॉन्टैक्ट होना चाहिए ताकि उनको जैसा टेस्ट चाहिए, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको फूड अरेंज करके दिया जा सके। पांचवी चीज है डीजे एंड परफॉर्मर।
देखिए दोस्तों, डीजे आज के टाइम में हर एक पार्टी की शान होता है। बिना डीजे के कोई भी पार्टी होती नहीं है, लोग बोर हो जाते हैं, तो डीजे की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपका कॉन्टैक्ट डीजे लोग के साथ भी होना चाहिए, ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके बजट के हिसाब से आप उनको डीजे भी अरेंज करके दे सकें। इसके अलावा हो सकता है कोई कोई कस्टमर आपको ये भी कहेंगे कि भाई हमारी पार्टी के अंदर आप एंकर को बुलाओ, कुछ परफॉर्मर को बुलाओ, जैसे कोई डांसर हो गया, सिंगर हो गया, तो उनके साथ भी आपका कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ताकि वो पार्टी के अंदर चार चांद लगा सके। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए किसी छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी है, तो हो सकता है उसके अंदर आपको अलग अलग गेम भी खिलाने पड़े, तो जो एंकर होगा वो गेम भी खिलाएगा। अब गेम खिलाने के लिए कौन से गेम खेले जाएंगे, उन गेम के अंदर क्या क्या प्रॉप्स होंगे, वो सारी चीजें भी आपको ही अरेंज करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, जो छोटे बच्चे की पार्टी होती है उसके अंदर रिटर्न गिफ्ट भी देने पड़ते हैं, तो रिटर्न गिफ्ट जो देने हैं वो किस बजट में देने हैं, वो भी आपको क्लाइंट के साथ बैठ के डिस्कस करना होगा, तो उनका भी अरेंजमेंट आपको करके देना होगा। इसके अलावा दोस्तों, हो सकता है कुछ क्लाइंट आपको बोलेंगे कि बर्थडे पार्टी से पहले हमको लोगों को इन्विटेशन भेजने हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि फिजिकल इन्विटेशन तो जाता नहीं है, डिजिटल इन्विटेशन जाता है, तो उस केस में आपका ग्राफिक डिजाइनर के साथ भी कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ताकि अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो तो आप सिंपली जाएं ग्राफिक डिजाइनर के पास, उसको बोले कि भाई 3-4 डिजाइन बना, और उसके बाद में वो डिजाइन को आप क्लाइंट को भेज देंगे, क्लाइंट को जो भी डिजाइन पसंद आएगी उसको वो यूज कर सकता है एज एन इन्विटेशन कार्ड। तो दोस्तों, आप यूं समझ लीजिए कि अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको एग्जैक्टली कुछ नहीं करना है, आपको सब लोगों से काम करवाना है, और ये जो पूरी पार्टी होगी उसको ऑर्गेनाइज करना है। देखिए, बहुत सारी फैमिली में जो घर के मेंबर होते हैं वो भी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में सिचुएशन ऐसी है कि मेट्रो सिटीज में रहने वाले मैक्सिमम लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, तो वो चाहते हैं कि थोड़े से पैसे देके वो किसी को पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का काम दे दें। तो दोस्तों, ऐसे केसेस में अगर आपको काम मिलने लगेगा तो आप पैसे भी कमा पाएंगे और आपको एग्जैक्टली कुछ भी करना नहीं होगा। दोस्तों, इस तरीके के बिजनेस में आपको क्लाइंट की तरफ से एडवांस भी मिल जाता है, और उसके बाद में जब पूरा काम खत्म हो जाता है तो आपको रिमेनिंग पेमेंट होता है वो भी मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके के काम को शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, 10,000-15,000 का इन्वेस्टमेंट भी होगा तो आप डेफिनेटली काम को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कुछ चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब किन चीजों का ध्यान रखना होगा, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, बजट डिजाइन। देखिए दोस्तों, आपको बजट को डिजाइन करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने क्लाइंट को बोला कि इस पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं 3 लाख रुपए चार्ज करूंगा, तो आपको ऐसे कोशिश करनी है, ऐसा बजट बनाना है कि कम से कम बजट के अंदर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए, आपका खर्चा भी हो जाए और आपको जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन भी बच जाए। अब दोस्तों, आपके साथ ऐसा तभी हो सकता है जब आपको सबका बजट पता हो, सबका रेट पता हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कैटरर्स के साथ कॉन्टैक्ट करके रखना होगा, डेकोरेटर्स के साथ रखना होगा, डीजे के साथ रखना होगा, जो परफॉर्मर होते हैं उनके साथ होगा, तो आपको उनका बजट पता है, उनका रेट पता है, तो उसके हिसाब से आप क्लाइंट को पिच कर पाएंगे और उसी के हिसाब से पूरा बजट बना पाएंगे और उसको जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी फुलफिल कर पाएंगे। तो बजट डिजाइनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये चीज आपको आनी चाहिए। सेकंड चीज है टाइम मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, पार्टी के अंदर सारी चीजें टाइम टू टाइम होनी चाहिए और ऑर्गेनाइज तरीके से होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज थोड़ी सी लेट हो जाएगी तो सारी चीजें लेट होती जाएगी। जैसे मान लीजिए सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में आपने केक का ऑर्डर लेट दिया या फिर दिया ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, जो भी गेस्ट आए हुए होंगे वो बोर हो जाएंगे और साथ ही साथ में क्लाइंट भी आप पे गुस्सा हो जाएगा। तो आपको टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, आपकी जो पार्टी होगी पूरी ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका काम ही है सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करने का, तो आपकी पूरी कंप्लीट पार्टी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और सारी चीजें टाइम टू टाइम होनी चाहिए, ताकि क्लाइंट भी आपसे खुश हो जाए और साथ ही साथ में जो गेस्ट आए उनको भी मजा आ जाए। तीसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना होगा वो ये है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज मार्केट में लानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए दोस्तों, इस काम को ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। देखिए, इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनीज भी कर रही है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खाली बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते होंगे, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आप अपनी क्रिएटिविटी मार्केट में नहीं लाएंगे, कस्टमर को अलग अलग ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो आपको काम मिलने के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर आप क्रिएटिव माइंड के पर्सन होंगे, हमेशा क्लाइंट को अलग अलग क्रिएटिविटी प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग थीम प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे, तो कस्टमर आपको रेगुलर बेसिस पे काम देना पसंद करेगा। चौथी और आखिरी चीज जो तो आपके पास होनी चाहिए, आप एक जुगाड़ू पर्सन होने चाहिए। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए पार्टी चल रही है और अचानक से कोई चीज नहीं अवेलेबल होती है या कुछ चीज खराब हो जाती है, तो आपके पास सारे जुगाड़ अवेलेबल होने चाहिए कि तुरंत उस चीज का रिप्लेसमेंट आप ढूंढ सको, वहां पे ला सको, ताकि पार्टी का मजा खराब ना हो। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा, अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस चीज का तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, आपके पास सारे जुगाड़ अवेलेबल होने चाहिए, ताकि कोई भी चीज पार्टी का मजा खराब ना कर पाए। अब दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, ये सारी चीजें तो हमको पता है या ये सारी चीजें तो हम लोग कर लेंगे, सबसे पहले ये बताइए कि हमको कस्टमर कहां से मिलेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, कस्टमर मिलना बहुत ही आसान है और बहुत ही मुश्किल भी है। ये डिपेंड करेगा आप किस तरीके से कस्टमर को ढूंढ रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 तरीके बता देता हूं, वहां से आपको डेफिनेटली कस्टमर मिल सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आपके आसपास में जितने भी ग्राउंड वाले हैं, जितने भी हॉल वाले हैं, जितने भी गार्डन वाले हैं, उनसे आके कॉन्टेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि मैं इस तरीके का काम करता हूं और इतने प्रकार की थीम मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपका कोई भी क्लाइंट होगा तो मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं उनको पिच करूंगा और जो भी बजट में फाइनल होगा उसका एक सर्टन परसेंटेज मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जितने भी गार्डन
गार्डन वाले होते हैं, ये हॉल वाले होते हैं, ये सारी चीज़ों को खुद ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, ये खाली अपने गार्डन और हॉल को रेंट पे देते हैं, बाकी इनके पास ऑर्गेनाइजर अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप उनके पास जाएंगे, अलग अलग क्रिएटिव चीज़ें बताएंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ भी काम करना पसंद करेंगे। इसके अलावा अगर आप उनको ज़्यादा कमीशन देंगे तो फिर भी आपको वो काम देना पसंद करेंगे। दूसरा तरीका जिससे आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं, देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो बर्थडे पार्टीज़ होती है वो छोटे बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज़ की जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप प्रमोशनल एक्टिविटी कर सकते हैं अपने ब्रांड के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, या आप क्या काम करते हैं उसके बारे में लोगों को बता सकते हैं। वहाँ पे आप फन एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, छोटे छोटे गेम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जितने भी बच्चे होते हैं उनको वहाँ पे आप इंगेज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो जो बच्चे होंगे उनको आपके बारे में पता चल जाएगा, साथ ही साथ में उनको पता चल जाएगा तो उनके माँ बाप को भी पता चल जाएगा, और जब भी कभी उनमें से किसी का भी बर्थडे ऑर्गेनाइज करना होगा तो वो लोग आपको ही कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, उन सोसाइटीज़ में रहने वाले लोगों को आप डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे उनके घर में किसी का भी बर्थडे ऑर्गेनाइज करना होगा तो उनको स्ट्रेट अवे 25% का, 30% का, 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दोस्तों, डिस्काउंट की वजह से क्या होगा, लोग आपको याद रखेंगे, जब भी उनको किसी के भी बर्थडे को ऑर्गेनाइज करवाना होगा तो सिंपली आपसे ही कॉन्टैक्ट करेंगे। और एक बार जब आपको काम मिल जाएगा तो उसके बाद में अगर आप अच्छा काम करते हैं तो रेगुलरली आपको ये काम मिलने लगेगा। तीसरा तरीका जिससे आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। देखिए दोस्तों, आप जिस भी एरिया के अंदर ऑपरेट करते हैं वहां पे आपको सिंपली क्या करना है, फेसबुक के ऊपर ऐड चलाना है, साथ ही साथ में गूगल के ऊपर ऐड चलाना है, तो उस एरिया में रहने वाले लोगों को ही वो एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, और वहां के लोगों के घर के अंदर किसी का भी बर्थडे होगा या कुछ भी ऑर्गेनाइज कराना होगा तो सिंपली आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और वहां से आपको कस्टमर मिलने लग जाएंगे। अब दोस्तों, अगर आप जानना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस से आप कितने पैसे कमा सकते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो मैं आपको चीज बता दूं, प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। इस पर्टिकुलर बिजनेस में आप 50% का प्रॉफिट मार्जिन भी कमा सकते हैं, 100% का कमा सकते हैं, उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपका बजट बनाने का स्किल कितना है, आपका निगोशिएशन करने का स्किल कितना अच्छा है, ये सारी चीजें आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को 5 लाख का बजट दिया और पूरा काम आपने 2.5 या 3 लाख में कंप्लीट करा लिया तो आपको स्ट्रेट अवे 2 लाख रुपए का फायदा हो जाता है। सो दोस्तों, आपकी स्किल जितनी अच्छी होगी निगोशिएट करने की, कम्युनिकेट करने की, और साथ ही साथ में लोगों के साथ बना के रखने की, उतना ही ज्यादा पैसे आप इस बिजनेस से कमा पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।